पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हिंसा हुई थी। इमरान समर्थकों ने अपने हमले से पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया था। इस हिंसा में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला बोला गया। हमले को रोकने में नाकाम रहने के कारण अब पाकिस्तानी सेना ने अपने बड़े अफसरों पर एक्शन लिया है। एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर की सेवा बर्खास्त कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। इमरान खान के समर्थकों के हमले से सैन्य प्रतिष्ठानों को न बचा पाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी सेना के DGISPR ने रावलपिंडी में इससे जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि 9 मई की हिंसा में देश के अलग अलग हिस्सों में शहीद स्मारकों का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि 9 मई की हिंसा ने साफ कर दिया है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कर सका, वह इन दंगाइयों ने कर दिया। 9 मई की हिंसा निंदनीय है और पाकिस्तान के इतिहास का काला अध्याय है। यह पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश का नतीजा है। 9 मई की हिंसा पर आगे बोलते हुए DGISPR ने कहा कि इससे जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, हिंसा की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दोषियों को न्याय के कटघरे में कब खड़ा किया जाएगा। सेना के अंदर के लोग पूछ रहे हैं कि अगर शहीद स्मारकों का इस तरह अपमान होता है तो उन्हें अपना बलिदान क्यों देना चाहिए। इसके साथ ही DGISPR ने यह भी दावा किया कि इस हमले की प्लानिंग कई महीने पहले की गई थी। आपको बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 9 मई को जब इमरान खान पेशी के लिए पहुंचे थे तब अर्धसैनिक बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर उनके समर्थकों ने हिंसा और आगजनी की। 20 से ज्यादा मिलिट्री और सरकारी बिल्डिंगों पर हमला बोला गया था। इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इस हिंसा के बाद पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि दोषियों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।